हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं, जिन भी लोगों को वात यानी वाई का दर्द शरीर में कहीं भी होता है, चाहे तो वो साइटी का दर्द हो रहा है यानी कि जो डिस्क होती है उसके अंदर जो वर्टिकास जो छल्ले होते हैं अपनी जगह से हिल जाते हैं, खिसक जाते हैं, जिसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं, और वो स्लिप डिस्क साइटिका की उस नस को दबा देती है जिसके कारण पूरी टांग में दर्द रहने लगता है। अगर आपको साइटिका दर्द हो रहा है, इसके अलावा अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, बॉडी में किसी भी जोड़ में दर्द हो रहा है, चाहे तो आपके हाथों में हो रहा है, कुनी में हो रहा है, बाजुओं में, कहीं भी दर्द हो रहा है, यानी कि आपके जॉइंट्स में कहीं भी दर्द हो रहा है, तो इसके अलावा अगर किसी को एड़ियों में बहुत दर्द रहता है, सुबह उठते हैं तो चुभन फील होती है, तो इनमें से कोई भी अगर आपको दर्द फील हो रहा है, ये दर्द वात यानी बॉडी में वाई बढ़ने से होता है। जब हमारी बॉडी में वात बढ़ जाती है, वाई बढ़ जाती है, तो हमें ये दर्द होता है। तो आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिनको भी ये दर्द है उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपने क्या करना है, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है, यानी खट्टी चीज़ें कम खानी है। खट्टी चीज़ें खाने से वात और वाई का दर्द और बढ़ जाता है, और रात के टाइम तो खट्टी चीज़ें खाकर बिल्कुल नहीं सोना। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है, इससे आप 30% ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि खट्टी चीज़ें वात को बढ़ाती हैं। आगे ट्रीटमेंट बताने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। आपने क्या करना है, सौंठ पाउडर लेना है, यानी कि जिंजर, ड्राई जिंजर होती है, सूखी हुई अदरक का पाउडर लेना है। इसके अलावा आपने मेथी दाने का पाउडर लेना है। इसके अलावा आपने हल्दी पाउडर लेना है। आपने इन तीनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेना है। जैसे आपने तीनों चीज़ों को 10-10 ग्राम लेकर मिक्स करके एक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया, इनको आपने आधा चम्मच इसमें से लेना है। गरम दूध के साथ ले लीजिए या फिर गरम पानी के साथ ले लीजिए। ये बॉडी से जितना भी टॉक्सिन्स है, जितनी भी वात है, उसको बाहर कर देगा, क्योंकि मेथी दाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं। अदरक जो है वो वात को पूरी तरह से बॉडी से बाहर करती है। तो ये बहुत ही खास तरीका है बॉडी से वात को दूर करने का, और बहुत ही सिंपल से मेथड के साथ, दिन में किसी भी टाइम, लेकिन आपने खाली पेट लेना है। इसके खाने से पहले और खाने के बाद, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद आपने कुछ नहीं खाना, ये सिर्फ करना है। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद एक चीज़ और करिएगा कि आप 1/4 चम्मच यानी 1/4 स्पून अजवाइन पाउडर का ले लीजिए। अब अजवाइन आपने किस तरीके से तैयार करनी है, तो अजवाइन को आप तवे पर हल्का सा सेक लीजिए, बहुत ज़्यादा काली नहीं करनी, हल्का सा सेक लीजिए, उसके बाद इसका पाउडर बना लीजिए और 1/4 चम्मच आपने इसको खा लेना है, वो भी आप नॉर्मल पानी के साथ ले लीजिए 15-20 मिनट के बाद। ये क्या होगा, ये बॉडी से वात को भी दूर करेगा और जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है, और छोटी छोटी चीज़ों से इन बड़े रोगों को ठीक किया जा सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।